और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल में दरअसल बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने ज्वेलर के घर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घर में घुसकर 1 करोड़ की लूट की, चाकू की नोक पर महिला से लूट की गई। बता दें कि पेंटर बनकर घर में घुसे थे 3 आरोपी, 3 से 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में शातिर बदमाश कैद हो गए। अब पुलिस इनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। देखिए तस्वीरों में कि 2 बैगों में नकदी भरकर किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल 3 संदिग्धों को तो हिरासत में ले लिया है। 3 संदिग्ध हिरासत में हैं, पूछताछ उनसे जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और जैसे ही ये बदमाश भागते हैं वहां से, उसी दौरान महिला शोर मचाना शुरू कर देती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। 3 से 4 बदमाश घर में दरअसल घुसे थे और महिला के गले में चाकू उड़ाया, उसके बाद चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि ज्वेलर के घर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, राजधानी भोपाल के पौश इलाके अरेरा कॉलोनी में बुधवार देर शाम लुटेरों ने लगभग 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पीड़ित ज्वेलर सुशील कुमार धनवानी से बात की हमारी संवाददाता नीलम गुर्वे ने। राजधानी भोपाल के पौश इलाके अरेरा कॉलोनी में एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। रात के अंधेरे में चोर घर में दाखिल होते हैं, घर में अकेली महिला को धमका करके एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जहां पर जो पूरी चोरी की घटना उसे अंजाम दिया गया था। और घर के जो मुखिया है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। सर, एक बड़ी वारदात जो है आपके घर पे हुई है, पूरी जानकारी देना चाहेंगे किस तरह से चोर दाखिल हुए और जो आपके घर में महिला मौजूद थी, क्या आपके जो चोर थे वो जान पहचान के कोई परिचित थे? घटना करीबन रात को 7:30 बजे की है। घर पे कोई नहीं था, मेरी मिसेस अकेली थी, हम अपने शोरूम पे थे और उन्होंने मौका देख के, वो शायद रेकी कर रहे थे काफी देर से, और वो मौका देख के वो घर पे आए अंदर, क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा पेंटर है, हमको मशीन ले जानी है। इस आश्वासन पे उनको दरवाजा खोला, वो 3 लोग थे, उन्होंने अंदर आते से ही मिसेस को बंद किया और वो देख चुके थे कि इनके घर पे कोई नहीं है। आए वो और उसको धक्का देके, और उनके हाथ में हथियार था तलवार टाइप, वो उसके सीने पे रख के और उसको लिटा दिया, गिरा दिया। अलमारी की चाबी मांगी, उसने चाबी नहीं देने पे उसको घसीटते हुए रूम में ले गए। चूंकि इस माह के एंड में मेरे बेटे की शादी है तो आना जाना लगा रहता था, तो उसके बाद उन्होंने अलमारी का ताला नहीं तोड़ा, तो उन्होंने लॉक खोल के उसमें रखा हुआ कैश और थोड़ा सोना जो भी था वो लेके, और उनको कैश मिल गया तो वो भगे। और तो हमारे सामने गार्ड ने एक को पकड़ लिया। मिसेज ने चिल्लाया, वो उनके पीछे आई, तो इतने में फिर फोन वगैरह आ गए, हम भी आ गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मैं जो भी पुलिस को हमने इंटीमेट कर दिया था वहीं से, न्यू मार्केट से ही कर दिया था, तो पुलिस पहुंच गई थी मौके पे और उसको अरेस्ट करके ले गई, और उसकी निशानदेही पे जो 2 अन्य थे वो भी पकड़ा गए रात में। जी बिल्कुल, तो देखिए एक बड़ी वारदात थी, पर सामने के जो बंगले के चौकीदार थे उसकी सतर्कता के चलते जो है इस पूरी वारदात को जो अंजाम देने वाले संदिग्ध थे, जो चोर थे, वो पकड़ाए गए। और आप यहां पर देख सकते हैं कि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और उसी का बहाना बनाकर के वो जो 3 चोर थे इस घर में दाखिल होते हैं। घर के मुखिया ने जैसा हमें बताया कि घर में बेटे की शादी थी, उसकी तैयारियां लगातार की जा रही थी, और जो वो 3 व्यक्ति थे जिन्हें चोर बताया जा रहा है लगातार घर की रेकी कर रहे थे कि घर में कब किस वक्त कौन रहता है, और उसी वक्त के जो है कहना चाहिए कि उसी वक्त को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस अंजाम को, वारदात को जो है पूरी तरह से अंजाम दिया है। हालांकि यहां पर जो है पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई और सुबह 4:30 बजे तक जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी रही। तीनों ही जो व्यक्ति है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ जो है
है की जा रही है, और अब ये देखना होगा कि और कौन कौन से यहाँ पर जो है पहलू निकल करके सामने आते हैं। पर ये जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना है, वो भी राजधानी भोपाल के एक ऐसे इलाके में। आप देख सकते हैं यही वो चौकीदार है जिन्होंने जो है तत्परता दिखाते हुए उसे एक व्यक्ति को पकड़ा था जो कि यहाँ से भाग रहे थे, और उनकी तत्परता के बाद जो है इस पूरे मामले में खुलासा भी हुआ था। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने ही पकड़ा था भैया जी? किस तरह से आपको पता चला था, यहाँ शोर हुआ था या फिर आप देख? आवाज आई थी, आवाज आई थी, आवाज आई थी। तो देखिए इनको आवाज आई थी और उसके बाद इन्होंने जो है भागते हुए उन लोगों को पकड़ा हुआ था, जिसके बाद इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। और अब पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है कि कहां पर जो है कोई चूक हुई थी, कब से ये जो लोग थे वो रेकी कर रहे थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि उन तीनों में से एक व्यक्ति जो है गुमठी यहां पर लगाता था और उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज़ स्टेट भोपाल।